On your marks, get set, ready, go. सलमान खान ये एक ऐसा नाम है जिससे नोट छपते हैं. जी हाँ, बॉलीवुड का ये नाम, ये हस्ती बॉक्स ऑफिस पे सोने की खदान है. इसने जहां हाथ रखा, वो कहते ना पारस, छुए तो पत्थर को भी सोना कर दे, इस स्टार में ये पावर है. अफसोस की बात है, ये जिस फिल्म को छूता है वो हिट तो हो जाती है, मगर उस फिल्म की कहानी बड़ी कचरा है. इसी कल्चर को उन्होंने आगे रखा है रेस थ्री के साथ. रेस पहली जो आई थी वो ठीक ठाक थी, झेल ली गई. रेस टू में जवाब दे दिया मैंने कि भाई ना देख पाएंगे, मगर रेस थ्री तो टॉर्चर है, टॉर्चर. एक नया टर्म निकाला है मैंने फिल्मों को लेकर के. ऐसी फिल्मों को मेरे हिसाब से कहना चाहिए कद्दू फिल्म. पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, 2.5 घंटे मैंने अपनी जिंदगी के बर्बाद किए हैं. मेरा वीकेंड बर्बाद हो गया इस फिल्म को देखने के बाद. हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले वो हमें बर्दाश्त नहीं. आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस. कहानी के नाम पे कुछ नहीं है. एक ऐसे परिवार की कहानी है जो भाई बहन आपस में ही रंजिश में लगे हुए हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, चालों पे चाल चली जा रही है, और एंड में फिर क्या होता है हम सबको पता होता है कि भाई सलमान खान जीत जाएंगे और उनका परिवार बचा लिया जाएगा. उस परिवार में कौन है, उस परिवार में दुश्मन कौन है, ये सब मैं नहीं बताऊंगा. स्पॉइलर फ्री रिव्यू मैं बिलीव करता हूँ, मगर बता भी दूंगा तो कोई फायदा नहीं. फिल्म इतनी बंडल, बॉबी देओल और बाकी खिलाड़ियों का काम बिल्कुल बेकार है. इसमें एक बात अच्छी लगी कि इसमें आपने जैकलीन और क्या नाम है उनका, डेजी शाह, उनको मारधाड़ करते हुए आप देखेंगे. तो मुझे अच्छा लगा कि भाई लड़कियों से कुछ तो काम कराए ना. फ्री फोकट का पैसा देते हैं उनको, कुछ नहीं करती हैं, शक्ल दिखा के चली जाती हैं. डिलीवरी एक्टिंग वैक्टिंग तो कुछ आती नहीं है. जैसे सलमान खान ने सालों पहले संन्यास लिया था एक्टिंग से, उन्होंने संन्यास को कायम रखा है. इसमें सिर्फ अपने लुक्स दिखा लिए, थोड़ी बहुत कूले मटका लिए और बन गई पिक्चर, है ना. ये जो करते हैं ना वो, अब देखिएगा क्या किया है उन्होंने. सिकंदर बने. उस रेस का सिकंदर मैं हूं. इट फिल्म जो है उसको हिंदी में देख लो आप प्राइम में, मगर इस फिल्म को पूरी तरह इग्नोर करें, 10 में से मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 5, वो भी गनीमत है. फिल्म को पूरी तरह इग्नोर कीजिए. अनिल कपूर की प्रेजेंस स्क्रीन पे काफी अच्छी है. उनके डायलॉग्स, बोलने का तरीका और उनकी प्रेजेंस, जैसे मैंने कहा, मुझे बड़ी अच्छी लगी. मगर जब फिल्म कचरा है तो कुछ नहीं कह सकते हैं. रेस 4 भी आने वाली है. इस फिल्म में वो ट्रेलर, एक तरह से टीजर दिया गया है, जो मैं बहुत डरा हुआ हूँ. भगवान जानता है मैंने कैसे देखी है फिल्म, और मैं जानता हूँ रेस 4 में कैसे देखने जाऊंगा. ये नाचीज जो बड़ा हताश है इस हफ्ते क्योंकि उसने रेस 3 जैसी कद्दू फिल्म देखी है, आपसे विदा लेता है, रिक्वेस्ट करता है इस फिल्म को टोटल बॉयकॉट कीजिएगा. अपना ध्यान रखिए. दिस इज मैड एवर मूवीज साइनिंग ऑफ. दुआ में मुझे याद रखिएगा. आपको बचाने के लिए ऐसी फिल्मों से मैं फिर आता रहूंगा. तब तक के लिए शब्बा खैर.